नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 खबर। अनलॉक 1 में भी दिल्ली नोएडा बॉर्डर बंद, चेकिंग के बाद ही एंट्री। अम्फान के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा, मचा सकता है तबाही, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में रेड अलर्ट। नहीं रहे वाजिद खान, आखिरी बार कंपोज किया था सलमान का भाई भाई सॉन्ग। 8 जून से बिहार में खुलेंगे 4,500 धार्मिक स्थल, महावीर मंदिर के लिए होगी ऑनलाइन बुकिंग। उत्तराखंड में मंत्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरी कैबिनेट हुई क्वारंटीन। जल शक्ति मंत्रालय का स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेना ने सोशल मीडिया पर जवानों के भिड़ने की वीडियो को फेक बताया, कहा कि भारत और चीन की सीमा पर कोई भी हिंसा नहीं हुई। कोरोना से देश में टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में 8,750 मरीज मिले, वहीं दिल्ली में 1,000 से ज्यादा केस। 30 जून तक स्पेशल ट्रेनों में 26 लाख टिकट बुक, पहले दिन 1,45,000 यात्री करेंगे सफर। चीन ने भारतीय सीमा के पास तोप और कुछ दूसरे हथियार जमा किए, इन्हें कुछ ही देर में LAC के पास लाया जा सकता है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कोरोना फैलने के लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जिम्मेदार, गुजरात के बाद मुंबई दिल्ली में संक्रमण बढ़ा। हाइड्रोक्सीन क्लोरोक्विन के 6 डोज लेने से 80% हेल्थ वर्कर के संक्रमण से बचे। भारत संक्रमित देशों की सूची में 9वें से 7वें स्थान पर पहुंचा, 2 दिन से हर रोज 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। व्हीलचेयर पर बैठे लोगों से पाई पाई गुजारा करने वाले राजू ने बांटे 3,000 मास्क, परिवारों को दिया राशन, पीएम मोदी ने की तारीफ। रेल मंत्री ने कहा कि आज इससे चलने वाली 200 ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने नॉन कंटेनमेंट जोन में शर्तों के साथ शूटिंग करने की इजाजत दी, कहा कि नियम तोड़ोगे तो काम रोक दिया जाएगा। जायरा वसीम अकाउंट डिलीट करने के एक दिन बाद हुई एक्टिव, लिखा कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ब्रेक लेने की इजाजत। सुरभि ज्योति ने एक्ट्रेस के बकाया पेमेंट के मुद्दे पर कहा कि हालात का फायदा ना उठाया जाए, जरूरत पड़ने पर कलाकारों को पैसे दिए जाए। ओशा उत्थुप ने कहा कि कोरोना के बाद मुझे नहीं लगता कि पहले जैसा माहौल रहेगा, शायद ही मैं कभी 50,000 दर्शकों के सामने शो कर पाऊंगी। मुंबई से दिल्ली 5 दिन पहले घर पहुंची अंग्रेजी मीडियम की एक्ट्रेस राधिका मदान, किचन में बैठकर टू हॉट टू हैंडल चैलेंज किया। कैंसर से जूझ रहे पूर्व मुक्केबाज डिंकू सिंह कोरोना से संक्रमित, 20 मई को दिल्ली से इलाज कराकर लौटे थे मणिपुर। हॉकी स्टेडियम में वॉरियर्स के सम्मान में 500 से अधिक खिलाड़ी जुटे, वही 35,000 बच्चों में फूड पैकेट बांटे गए। कम दर्शकों के साथ US ओपन तय शेड्यूल पर, हो सकता है खिलाड़ियों को चार्टर्ड प्लेन में लाया जाएगा। मनोचिकित्सक का बयान, कहा कि लॉकडाउन का असर, खुशी वाले हार्मोन्स नहीं निकल रहे, खिलाड़ी चिड़चिड़े हो सकते हैं। 2011 वर्ल्ड कप में सचिन को गलत आउट देने पर अंपायर इयान गोल्ड ने कहा कि अब उस फैसले पर हंसी आती है, लोगों ने तस्वीरें भेजकर आलोचना की थी।